नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत से तनाव के बीच चीन भारत के पड़ोसी देशों को अपने खेमे में करने के लिए तमाम रणनीति अपना रहा है। पाकिस्तान के बाद उसने नेपाल को भी भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया है। अब उसकी नजर श्रीलंका पर है, लेकिन श्रीलंका ने चीनी इरादे को नाकाम कर दिया है। श्रीलंका की नई सरकार ने साफ किया है कि उसकी विदेश नीति तटस्थ होगी, लेकिन सामरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर उसका स्टैंड भारत पहले वाला होगा। यह बात श्रीलंका के विदेश सचिव जयनाथ कोलंबागो ने कही है। श्रीलंका के एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान कोलंबागो ने कहा है कि राष्ट्रपति ने कहा है कि सामरिक सुरक्षा के मामलों में हम भारत पहले वाली नीति पर चलेंगे। हम भारत की रणनीतिक सुरक्षा के लिए खतरा नहीं बन सकते हैं और हमें बनना भी नहीं चाहिए। हमें भारत से लाभ लेने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जहां तक सुरक्षा का संबंध है, आप हमारी पहली प्राथमिकता हैं, लेकिन आर्थिक तरक्की के लिए मुझे दूसरे लोगों से भी करार करना पड़ेगा। उन्होंने साफ किया कि तटस्थ विदेश नीति का पालन करते हुए भी श्रीलंका भारत के सामरिक हितों की रक्षा करेगा। जयनाथ कोलंबागो श्रीलंका के ऐसे पहले विदेश सचिव हैं जो सशस्त्र सेना में भी रह चुके हैं। उन्होंने ये भी स्वीकार किया है, हम्बन टोटा बंदरगाह को 99 साल की लीज पर चीन को देना एक भूल थी। गौरतलब है कि 2017 में चीन ने कर्ज की भरपाई न होने पर इस बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। राष्ट्रपति गोटबाया पहले भी कह चुके हैं कि पिछली सरकार का यह फैसला गलत था, क्योंकि सामरिक तौर पर आर्थिक रूप से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह को इस तरह से 99 वर्षों के लिए लीज पर देना सही नहीं है। गौरतलब है कि इसी महीने गोटाबाया के बड़े भाई महिंदा राजपक्षे ने 2/3 बहुमत के साथ चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इसके बाद ही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फौरन ही कोलंबो का दौरा किया था और वहां अपने समकक्ष दिनेश गुणवर्धने से मुलाकात की थी। वैसे राजपक्षे परिवार का अब तक का झुकाव भारत के मुकाबले चीन की तरफ रहा है, लेकिन बदले माहौल में वो भारत के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।